आज हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा जी। आज हम उनसे एक विशेष परिचर्चा करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सक्रिय राजनीति में उन्होंने भाग लिया। आजकल कांग्रेस पार्टी के कई गुट सक्रिय हैं हरियाणा में, खास तौर पर सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पिछले 2 सप्ताह में 4 बार वो सिरसा आए, और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रोहतक में सक्रिय हैं। आज भी उन्होंने साइकिल यात्रा, रोहतक ज़िले में थी उनकी साइकिल यात्रा। नेहरा साहब, ऐसा क्या हो गया है दीपेंद्र हुड्डा एकाएक सक्रिय हुए हैं और सिरसा ज़िला में इतनी बार आए लेकिन उनके किसी भी मंच पे अशोक तंवर नहीं थे? अशोक तंवर रोहतक में हैं तो उनके मंच पे दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं थे? आप कांग्रेस के जानकार हैं, क्या है कांग्रेस की राजनीति? जैसे पिछले इन 4-5 सालों में आपस में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का और अशोक तंवर जी का जो आपस में बातें रही, उस हिसाब से तो यही लगता है कि इनकी जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पे है। और चरम सीमा मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी चुनाव होने हैं, लोकसभा के होने हैं 8-10 महीनों में, और विधानसभा के होने हैं उसके 6-5 महीने बाद। तो ये समय ऐसा है जिसमें हर राजनीतिक आदमी सक्रियता बढ़ाता है, और सक्रियता बढ़ाता है 2-3 तरीके से। एक सक्रियता बढ़ाता है अपने लिए जीतने के लिए, एक सक्रियता बढ़ाता है अपने जो साथी हैं उनको जिताने के लिए, एक सक्रियता बढ़ाता है विरोधी जो हैं पार्टी में उनको हराने के लिए। तो ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें मिली हुई हैं, चाहे अशोक तंवर जी की बात ले लीजिए, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बात ले लीजिए। ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, जैसा जो अखबारों में उनकी कार्य प्रणाली में, उनकी बोलचाल की भाषा में, उनकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है उनकी बातों में, और जो पीछे के कांड हुए जिनमें झगड़ा भी हुआ, मारपिटाई भी हुई, और काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहे हैं कि अशोक तंवर जी को हटाए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चाहते हैं कि अशोक तंवर जी को हटाया जाए और अशोक तंवर जी को राहुल गांधी जी हटा नहीं रहे। तो ये जो संघर्ष है अब चरम सीमा पे है। नेहरा साहब, कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है गुटबाजी से, लेकिन क्या इस ढंग से जो खुलेआम पब्लिक में एक संदेश दिया जा रहा है भी ये गुट, ये व्यक्ति, ये नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में है, ये व्यक्ति अशोक तंवर के गुट में है, ये व्यक्ति किरण चौधरी के गुट में है, ये व्यक्ति रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट में है, ऐसे क्या कोई राजनीतिक दल विजय प्राप्त कर सकता है? ना, ऐसे जब तक राजनीतिक दल में कंट्रोल लीडर का नहीं होगा इतने तक उसके रिजल्ट आने बड़े मुश्किल हैं। और इसीलिए आगे आने वाले समय में कांग्रेस से जो बड़ी खुशी हो रही है उनको मन में कि भी हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग तो सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं भाई ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कह रहे हैं, आधे लोग तो इसलिए इकट्ठे होते हैं भाई एक दूसरे के लिए क्या, मज़े लेने के लिए हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कम इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब इकट्ठ से यदि आदमी खुश हो जाए तो रैली में 50-50, 20-20 हज़ार आदमी आ जाते हैं और फिर वो कैंडिडेट हार जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भी कैंडिडेट कैसे हार सकता है यदि 20 हज़ार की हाजिरी हो? तो ये जो गुट हैं अब तो ऐसा हो गया, पहले तो 2 ही गुट थे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के और अशोक तंवर जी का। अब तो गुट में कई गुट हो रहे हैं, वो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जिसको कोई नहीं मिल रहा वो दूसरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है पार्टी में, और ये तो उनके नेता जाने के इसको कैसे कंट्रोल करना है। मेरा साहब, एक क्योंकि आपसे हम आज बातचीत केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति की,
एक अभी कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी जो बनी है CWC जो का गठन किया गया है, हरियाणा जैसे छोटे राज्य के 4 नेताओं को उसमें लिया गया, क्या ये ऊपर वाला जो हाई कमान है वो भी कहीं एक दूसरे को बैलेंस बनाने में नहीं लगा गया? जैसा कि आपको जानकारी है जो मुख्य कार्य समिति बनाई उसमें कुमारी शैलजा जी को लिया गया, स्पेशल इनवाइटी में रणदीप सुरजेवाला जी को लिया गया, और आमंत्रित जो सदस्य हैं उसमें दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई को लिया गया। 51 सदस्य एक कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय दल है जो 29 राज्यों में होने का दावा करती है, उसमें हरियाणा जैसे छोटे राज्य से 4 नेताओं को लेना, ये क्या संदेश देता है? ये संदेश ये देता है कि उनको भी पता है कि गुटबाजी है, और इस गुटबाजी का वो समझते हैं कि इनको लेने से ये गुटबाजी हल हो जाएगी, लेकिन ये लेने से हल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो गुटबाजी बढ़ेगी, हल के नाम इसका हल नहीं है। तो ये जैसे CWC जो मेन है उसमें शैलजा जी को लिया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो वैसे ही हैं, किसी को बुला लिया उस सूबे की बात हुई तो बुला लिया, वरना नहीं बुलाएंगे, क्योंकि CWC के मेंबर हैं वही मेन वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, तो इसलिए दूसरे ऐसे ही उनको कहने के लिए भी हमने आपको वहाँ ले लिया और कोई विशेष बात नहीं। आज की परिस्थितियों में नेहरा साहब, क्योंकि कांग्रेस की क्या स्थिति है प्रदेश में, क्या स्थिति है ऐसे हालात में जब इतने गुट सक्रिय हैं, और ख़ास तौर पे जिस ढंग से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले कुछ दिनों में सिरसा के दौरे किए और अशोक तंवर रोहतक में दौरा कर रहा है, क्या संदेश देना? देखो जी, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि गुटबाजी तो चरम सीमा पर है ही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो अदला बदली हुई, जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी हुड्डा गुट को छोड़ के तंवर के गुट में गए, तो उससे क्या है कि हुड्डा गुट को ये हुआ कि मतलब है उनको शिक्षा कोई दी जाए। ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ जो रणजीत सिंह जी रानिया हलका से उम्मीदवार हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब है कई प्रोग्राम, दूसरी बार कई गांवों में प्रोग्राम बने कि भाई सिर्फ़ चौधरी रणजीत सिंह के खिलाफ उनका, मेरे जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसको नीचा दिखाने के लिए या उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको तोड़ने के लिए या जैसा भी है, मतलब है कोई औचित्य नहीं था कि भाई और हलके भी हैं, 5 हलके, सिर्फ एक के नाम एलनाबाद और रानिया ही हलका नहीं है, हलके तो 5 हैं, 3 और भी हलके हैं, लेकिन उनमें दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा नहीं गए, तो ये सिर्फ उनको के खिलाफ ही है, और ऐसी स्थिति में जीतने का तो कोई कैंडिडेट, उनका जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसीलिए मेरा आंकलन ये है कि हमारी BJP पार्टी है वो जीतेगी, और इनका आपस में जो सिर धड़की लगी हुई है आपस में वो उसका बुरा हाल होगा। ख़ास तौर पे मैं हुड्डा साहब के बारे में तो ये कहेंगे कि उन पे केस वगैरह बने हुए हैं, जो आजकल केस बन जाते हैं राजनीतिक आदमियों पे, तो उनका क्या असर होता है ये आप लोगों के कोर्टों के फैसलों से पता लगता है, तो उनके लिए तो आगे मुसीबत बढ़ने वाली है, और इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं पीछे रहूं और दीपेंद्र सिंह को आगे करूं, ताकि मेरा यदि कोई उल्ट बात हो जाए तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल लेगा। तो ये आशंका है, जब एक लीडर ही मतलब है कहीं किसी मुकदमे में फंस जाए और कोई सज़ा वगैरह हो जाए तो उस पार्टी का वो असर, वो बात नहीं रहती जो होनी चाहिए। नेहरा साहब, आपका धन्यवाद। आपने पहले जहां निष्पक्ष आकलन किया, वहीं आप जाते जाते अंत में भाजपा की बात भी कह गए, और ये तो समय बताएगा कांग्रेस का
क्या हालत होती है और भाजपा का क्या हालत होती है, लेकिन नेहरा साहब का ये मानना है कि कांग्रेस को गुटबाजी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भाजपा को लाभ होगा, ये तो हरियाणा की जनता निर्धारित करेगी। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए चिंता का कारण है। तो पल पल के दर्शकों के लिए आज इतना ही, फिर हम किसी शख्सियत को लेकर आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।